फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे। आज हम खटक किचन में सूजी का हलवा बनाएंगे। आज हम सूजी का हलवा बनाने के लिए आधा किलो सूजी लेंगे, 1 लीटर दूध लेंगे, 2 कटोरी रिफाइंड ऑयल लेंगे, थोड़ी सी इलायची लेंगे, 2 कटोरी शक्कर लेंगे, थोड़े बादाम, थोड़ी किशमिश, थोड़े काजू और 1 कटोरी मिल्क क्रीम लेंगे। सबसे पहले हम रिफाइंड ऑयल लेंगे। इसके बाद हम रवा लेंगे और ऑयल में मिक्स करेंगे। गैस की फ्लेम हाई रखेंगे, अभी अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। सूजी के हलवे तो आपने बहुत तरह से बना के खाए होंगे, लेकिन एक बार आप इस तरकीब से बनाकर ज़रूर खाइए, आपको पसंद आएगा। गैस की फ्लेम हाई रखें, इसको जब तक कपनों को भूनना है जब तक इसमें से सूजी में से खुशबू नहीं आने लगे। लाइट ब्राउन से भी कम अपनों को इसको सेकना है। अब ये सूजी सिक चुकी है, इसमें से बहुत बढ़िया खुशबू आ रही है। अब हम इसके अंदर पिसी हुई इलायची डालेंगे। इलायची डालने के बाद अब इस पे शक्कर डालेंगे। ये 1.5 कटोरी शक्कर ली है मैंने। अब इसको अच्छी तरह से चलाएंगे। थोड़ा थोड़ा करके दूध डालेंगे। दूध डालते टाइम हम गैस की फ्लेम को लो रखेंगे और अच्छे से मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद जो ड्राई फ्रूट हैं वो हम इसमें डालेंगे। अब एक बार अच्छे से मिक्स करेंगे। अब इसमें हम मिल्क क्रीम यानी कि मलाई डालेंगे। थोड़ी थोड़ी करके 2 बार मिक्स करेंगे। गैस की फ्लेम को लो ही रखेंगे। अब जो बची हुई मलाई है वो भी हम इसमें मिक्स करेंगे। अच्छे से मिक्स करेंगे।
सब अच्छे से मिक्स करने के बाद इसको कम से कम 5 मिनट लो फ्लेम पर ढककर पकाएंगे। अब 5 मिनट हो चुके हैं, हमारा हलवा बनकर तैयार है। अब हम इसे सर्व करेंगे। सूजी का हलवा बनकर तैयार है, अब हम इसे सर्व करेंगे। अगर आपको हमारी रेसिपी पसंद आई है तो आप इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।